उसके बाद द कल्टिवेशन ऑफ सच क्राफ्ट विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन उसको क्या बोलते हैं पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं मतलब उसका जब हैबिटेट जो होगा नेचुरल हैबिट क्या होगा और डिफरेंट होगा तो क्या होगा उसमें जीरो कंपटीशन ही होगा तो ऐसे क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं आप याद रखिएगा पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं और इसके बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं आप दे दूँ जैसे शुगर कैन पोटैटो है बेस्ट एग्जाम्पल है पैरेलल क्रॉपिंग के पोटैटो मस्टर्ड है बेस्ट एग्जाम्पल उसके बाद पोटैटो रेडिस है और वीट मस्टर्ड इनका नेचर जो है ग्रोथ का डिफरेंट होता है दैट्स वाई इनमें कंपटीशन क्या होता है जीरो होता है और ऐसे को क्या बोलते हैं पैरल क्रॉप उसके बाद जो बात करता है द दरायटी ऑफ वीट विच इज रेजिस्टेंट टू ऑल थ्री रस्ट उसको बोलते हैं छोटी लरमा जो छोटी जो लरमा वराइटी है वो क्या है तीनों जो रजिस्टेंट है आप, आपके रस्ट हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है आप जैसे देखोगे जो टाइप्स लीफ रस्ट होती है रस्ट होता है और स्टेम रस्ट होता है और ये तीनों रस्ट के अगेंस्ट जो हमारी वैरायटी रेजिस्टेंट है वो है छोटी लरमा जो लीफ रस्ट है वो है पक्सिनिया और जिसको ब्राउन रस्ट भी बोलते हैं पक्सिनिया स्ट्री फॉर्मिस को स्ट्रीप रस्ट या एलो रस्ट भी बोलते हैं पक्सिनिया ग्रेमनिस्ट्रिटिसी जो है ये आपका ब्लैक रस्ट होता है उसको स्टेम रस्ट बोलते हैं तो आप देख सकते हैं इसके पार्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हैं ठीक है ये यूनिफॉर्म ही एक लाइन में आपको मिलेगा इसमें रस्ट के पास चूल इसमें जिग झाग पैटर्न में मिलेगा आपको यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ तो इसको ब्राउन रस्ट बोलते हैं और ये क्या स्टेम स्टेम्प आप देखो ब्लैक ब्लैक पास चूल्स जो रस्ट के होते हैं तो इसको स्टेम रस्ट बोलते हैं और तीनों के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट है वो है आपकी छोटी गरमा उसके बाद हाउ मनी टाइम ए रेटून क्रॉप ऑफ शुगर केन इज एडवाइजेबल कितने रैटून को कितनी बार आप शुगर में एडवाइजबल है वो है याद रखिएगा वन टाइम रैटून है क्या आपसे बता दूं रैटून रैटून है क्या एक इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ हार्वेस्टिंग ए मोनोकॉट क्रॉप बाय कटिंग मोस्ट ऑफ द एव ग्राउंड पोर्शन बट लिविंग द रूट द ग्रोइंग सूट एपिसेस इंटैक्ट सो एज टू अलाउ द प्लांट टू रिकवर एंड प्रोड्यूस ए फ्रेश क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन अब सीरियल्स में एक्चुअली इसको प्रैक्टिस करते हैं पहला तो ये चीज़ है मोनोकॉर्ट नेचर में होता है जो क्रॉप और इसके जब एवा पोर्शन को आप हार्वेस्ट कर ले तो तो जो लिविंग पोर्शन होता है जैसे रूट है और ग्रोविंग सूट है वहां से क्या होगा स्प्राउट होगा और नेक्स्ट क्रॉप आपको दोबारा सोइंग करने की ज़रूरत नहीं होगी तो उस पैटर्न को बोलते हैं हम राइटोनिंग और आप देख सकते हो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइटोनिंग इन शुगर केन और जो साइंटिफिकली एडवाइजल है वो एडवाइजेबल है वो है वन सिंगल टाइम ठीक है उसके बाद द कल्टिवेशन ऑफ टू आर मोर देन टू क्रॉप ऑफ डिफरेंट हाइट साइमल्टेनियसली ऑन ए सर्टेन पीस ऑफ लैंड इन ए सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड एक एक सर्टेन पीस पे सर्टेन टाइम में आप अगर कई लेयर की क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग बोलते हैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ डिफरेंट हाइट के कई क्रॉप लिए गए हैं ठीक है ये मेज है ठीक है और ये ट्रीज है ये बनाना है तो दिस इज ए वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग तो इसमें स्पेशियल एज वेल एज़ टाइम दोनों में इंटेंसिफिकेशन हो जाता है स्पेस में भी और टाइम में भी इंटेंसिफिकेशन तो काफ़ी रिमोनरेटिव होती है ये प्रैक्टिस उसके बाद नसली एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ऑफ वन हेक्टेयर राइस फील्ड इज तो याद रखिएगा पॉइंट वन हेक्टेयर याद रखिएगा दस परसेंट ही जो आपका मेन फील्ड है उसका रिक्वायर्ड होता है कितनी नर्सरी बेड बनाने के लिए वो क्या आपको राइस ग्रो करने के लिए तो पॉइंट वन हेक्टेयर इज द राइट उसके बाद जो फैक्ट है उसके बाद जो फैक्ट है टी बर्न आ पैडी इज ड्यू टू याद रखिएगा रिड्यूस्ड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अंडर सम्मर्ज कंडीशन सम्मर्ज कंडीशन में जब इस होता है तो उस टाइम आप देखोगे बर्न जो पैडी का जो टिप है वो बर्न करने लगता है उसके बाद रेड पर्पल कलर ऑफ मेज लीफ इज़ ड्यू टू डिफिशियंसी आप याद रखिएगा फासफोर्स की डिफिशियंसी में रेड एंड पर्पल कलर होने लगते हैं मेज़ के उसके बाद यहाँ बात कर रहा है साइज ऑफ थॉमसन सीलेस ग्रेप इज़ इंक्रीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ जी ए थ्री तो जी ए थ्री का जो रोल है वो साइज़ को इंक्रीज करने, करने के लिए देख रहे हो गए ग्रेप की साइज को इनरीज करने के लिए यूज़ किया जाता है तो थोड़ी बहुत तो अगर हम देखें जी ए थ्री का रोल क्या है तो जी ए थ्री का रोल ये है कि ये सिंपली जिबेलिक एसिड है जिसको ज्वेलरिन के नाम से जानते हैं पेंटासाइकलिक डाइटरपेन एसिड बोलते हैं और इसको ये प्रमोट ग्रोथ uh, को प्रमोट करता है और के इलांगेशन को भी प्रमोट करता है तो जिसकी वजह से साइज जो होती है ग्रेप की वो इंक्रीज होता है और इसके अलावा भी इसका और भी नंबर ऑफ इफेक्ट ऑन द प्लांट डेवलपमेंट है जैसे आप देख सकते हो देकन स्टिमुलेट द रेपिड स्टेम एंड रूट ग्रोथ इंड्यूसिंग द माइट्रोटिक डिविजन ऑफ द लीव ऑफ सम ऑफ द प्लाट्स एंड इंक्रीज दीड जरमिनेशन रेट तो जो, जो सीड के जनरेशन रेट को भी ये बढ़ाता है इसके अलावा भी तो जब भी हमको सीड अपने अंगूर की साइज़ को इंक्रीज़ करना होता है तो उस द टाइम वो हमको जी ए थ्री का याद किएगा एप्लीकेशन है, करते हैं उसके बाद बात कर रहा है टीलेज इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल बट इट रिड्यूस द बल्क डेंसिटी ये जो स्टेटमेंट है कह रहा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो हमारी बढ़ जाती है इनफिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है टीलेज से लेकिन ये रिड्यूस कर देता है बल्क डेंसिटी को ऐसा क्यों होता है तो आप देखोगे बल्क डेंसिटी का फार्मूला क्या है बल्क डेंसिटी का फार्मूला है मास डिवाइड बाय द वॉल्यूम ठीक है तो जब आप टीलेस करते हो तो क्या होता है आपकी परसेंटेज ऑफ आप पोर वो इंक्रीज़ हो जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा ये आपका इंक्रीज हो जाएगा तो सेम वेट पर जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बल्क डेंसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी ना तो याद रखिएगा टीलेस क्या करता है वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है ये इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली वेट तो सेम ही रहेगा तो बल्क डेंसिटी क्या होगी रिड्यूस हो जाएगी और ये जो होता है ये एक डिजायरेबल कैरेक्टर है क्योंकि हमको बल्क डेंसिटी लो चाहिए एक अच्छे टीएस टील्ड सॉयल की जो बल्क डेंसिटी होनी चाहिए वो लो होनी चाहिए उसके बाद जो बात कर रहा है वेटलैंड प्लाउ इज स्मॉलेस्ट अमंग द वन प्लाउ इट इज यूज्ड टू पडल सॉयल और उसकी इफिशंसी पॉइंट हेक्टेयर होती है फॉर एट आवर्स में ये फैक्ट है बहुत ज्यादा इसमें समझाने की जरूरत नहीं है जो वेटलैंड प्लाउ है याद रखिएगा स्मॉलेस्ट है एमंग दउन प्लाउ और उसकी इफिशंसी पॉइंट हेक्टेयर होती है आठ घंटे वर्किंग डेज में उसके बाद ब्लेड हैरो की बात कर रहा है इज नोन एज ए भाकर एंड यूज फॉर द वीट कंट्रोल बिफोर सोइंग बिफोर सोइंग इसको याद रखिएगा ब्लेड हैरो को यूज करते हैं और इसको भाकर भी कहते हैं और देख सकते हो है, ब्लेड ब्लेडो होती कैसे है इस तरह से होती है तो इसको प्री बिफोर सोइंग आप यूज करोगे किसके लिए वीट कंट्रोल के लिए उसके बाद बात कर रहा है हम स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरीगेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आप फ्यूज़न आपको कभी कभी ये देखा होता तो बोला जाता है कि आप जो अगर क्रॉप्स क्या है कि कोल्ड से हैम्पर हो रही है तो उस टाइम पर इरीगेशन दे दीजिए तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है एक रेन फॉर्म में होती है जो पानी गिरता है क्रॉप पे तो ये प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से जब टेम्परेचर काफ़ी डाउन होने जाता है तो होता क्यों है लेट लेट एंड हीट ऑफ फ्यूज़न तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बेसिक है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा अब देखो ये लेटेंट हीट फ्यूजन होता गया है अब जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है और लिक्विड है इसको गैस इन तीन स्टेजों में गर, अगर अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड क्या हो लिक्विड की तरह जाता है और लिक्विड क्या होता है गैस में जाता है ठीक है बनता है फॉर्म जो इसके स्टेट हैं चेंज होते हैं और हीट जैसे जैसे बढ़ेगा लेकिन ये देखो एक फेज आता है जब टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है सेम हीट सप्लाई उस फेज में ये जो होता है ये फेज होता है उस टाइम पर टेम्परेचर सेम होता है और इस फेज को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं द टेम्परेचर रिजीम कॉन्स्टेंट एज सॉलिड टर्न टू लिक्विड यहाँ लिक्विड में आ चुका लेकिन टेम्परेचर क्या है आपका एक कॉन्स्टेंट होगा इसी चीज़ का एडवांटेज ये लेता है जैसे क्योंकि हम जो पानी अप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और हमारी जो बाहर जो प्लांट की होती है और टेम्परेचर लो होती है तो जब हाई टेम्परेचर है इसका तो ये जो फेज़ है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है तो जिससे हमारी क्रॉप क्या होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है तो ये सब थे समथिंग अबाउट डिफरेंट फैक्ट्स मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को इसको इंटरेस्टिंग बना के समझा सकें उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर कोई भी क्वारी अगर ऐसी लगती है कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है और कुछ चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपना सुझाव दे सकते हैं और मैंने ट्राई किया इसको बेस्ट इस बुक से जो लिया था मटेरियल को समझाने की इस वीडियो को अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा और आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा